भाइयों राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में मोमिया जी के साथ। बल्ले मोमिया क्यों जी? जी बल्ले जी मोमिया। बल्ले मोमिया। वेरी गुड जी। बल्ले मोमिया जी, राय धनपत जी देखे आपने? हाँ, मैंने धनपत जी को देखा है। अच्छा, सुना है। किस उम्र में जब आप समझने योग्य हुए, राय जी किसी एज में थे? गबरू थे? ना ना ना, राय जी मतलब जवानी ढलगी थी उनकी। 60 के घेरे में था। हाँ, इतना 50-60 के, 55 यानी के था। 60 में से ही निखार पाए रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं उस टाइम पे था 20 या 21 साल का था। आपने बहुत संगी देखे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत संगी देखे। तो राय जी जो थे जी, एक तो ये सुना है मैंने बुजुर्गों से के धनपत हो गया जो लेट आओ ना। जी जी। के धनपत हो गया। देखो जी, या बात सच्ची है? बिल्कुल सच्ची है। ऐसा संगी नहीं हुआ हमारे, थोड़ा लेट आया हरियाणा में जब दमोड़ा मार लें। हाँ जी, सांगी तो जब आया करते सारे जी, छोरे छारे दमोड़ा दमोड़ा मार ले। हाँ, हाँ, जब आया करते। हाँ, हाँ, पर धनपत राय जी जो थे ना, कई बार उनका मूड आ जाता साधिंदो को सुनने के लिए। वो उनके साथ छोरे पहले भी कदे कदे आया करते, कदे कदे आ जाया करते। अच्छा, एक बात और सुनी है मैंने जी, जैसे चंद्रबादी जी थे, वो भी देखे होंगे? चंद्रबाजी भी देखे मैंने। वो तो सारे साजिंदा ने छोरा ने कट्ठे एक बगाना गाओ इकट्ठे होकर लार धनपत जी भेंट अलग अलग को आया कर दे, कह लो भाई ऐसा ऐसा है। देखो जी, ऐसा है। कौन है? चंद्रबादी जी। चंद्रबाजी जी इकट्ठे पेश कर दिया दे सारे छोरे। हाँ, वो एक एक कोई सी भी भेंट है ना, वो सारे इकट्ठे खड़े होके इकट्ठे और कह दिया करते। हाँ, को बहुत मानने वाले थे। अच्छा जी। एक तने बेरी में जग धावे रख मेरी लाज जवालारी, हाँ, हेरी तू तब भवन आली। उनका बहुत ये फेमस धुन हुई। एक बार है ना, एक कमेंट लगेगी इनके इस राय जिया के संगों के नाम बता दो एक बार। देखो जी, पांच सात बता दो। दो चार सुने हैं मैंने। हाँ, लीलो चमन मेन उनका जो था। लीलो चमन, लीलो चमन। हाँ, उमंग में भर कर और बड़े बड़े उमंग में भरा करा करते। हाँ, सरवर नीर। सरवर नीर। अच्छा। हाँ हाँ। और कुछ सांग और थे जो मेरे दिमाग में भी नहीं है। उनके गोपीचंद, गोपीचंद भरतरी। हाँ, समझे ना। हाँ, जानी चोर, जानी चोर। ये बहुत उनके काफी फेम। बणदेवी, बणदेवी। हाँ, बणदेव भी बहुत मशहूर सांग हुआ उनका। सूरज चंदा, सूरज चंदा। समझे ना। और लीलो चमन, तो लीलो चमन उनका बड़ा, जिस तरह लक्ष्मी चंद का नौटंकी हुआ ना फेमस, इसी तरह लीलो चमन धनपत जी का। मोमिया जी, लीलो चमन में एक सीन आवे है और वो रागिनी में बालक था जब सुनिया करता। हाँ, लीलो जाल में गिर गई, इस टाइप के है कुछ। हाँ हाँ हाँ, वो अभी मैं आपको सुना दूं मैं। ये मैं तरज का नाम भी है। तरज का नाम सोनी में आर्य शिवरंजनी, हम जो बोलते हैं राग के ऊपर आधारित जो होती है ना। हाँ, वो शिवरंजनी राग है। हाँ, उसमें उन्होंने ये धुन तैयार करी थी। शिवरंजनी, शिवरंजनी में। जिंदगी भर नाल कड़ सकूं इस जाल में घिर गई, और कह दिए चमन ते लीलो जीवती मर गई। जिंदगी भर ना लिकड़ सकूं इस जाल में घिर गई, कह दिए चमन चली लो जीवती मरेगी। ये लीलो चमन की उनके सांग की धुन थी उनकी ये। अच्छा जी, राय जी की एक तरज गोपीचंद की और सुना दो। गोपीचंद की लोग दिखावा रो वैसे मेरे को। अच्छा अच्छा, वो ये गोपीचंद क्योंकि ये धुन कई उसमें ले रखी है। हाँ।
जी आपका तो सब कुछ याद है, मैं इसलिए छेड़ रहा हूँ, ये और किते कोनी और कहीं फिट नहीं होती है, और किसी रागड़ी में नहीं होंगी फिट। हाँ, और उसका है तुम तीनों में किसी का ध्यान हो, एक रस्सा किसी का आगे दे, रस्सा खिंचाई दनपत की, और वो दनपत की है प्योर दनपत संगी की है रस्सा खिंचाई। अच्छा वो एक मिनट सुनो, ये जो हम क्योंकि कई सांगी उसने दूसरे प्रकार से गाओ, नाम कुछ मन बेरा है उसने, है ना, उसका थोड़ा बदल कर रूप लेते हैं, प्योर आनी चाहिए, प्योर दनपत की। ज्यादा टाइम नहीं लेवांगे, एक बार 9-2-11 और सुना दे। अच्छा यो पता है 9-2-11 तो सुना दूं, यो फिल्म आई थी यो। कोई बात ना, है ना, कोई बात ना, हमने तो फिल्म पे भी कब्जा कर रखा है। एक तो इन्हें दो प्रकार से गाई है, फिल्म वाला ने कुछ और, हमारे देसी आदि मैंने कुछ थोड़ा बदलाव किया। हाँ जी, तो मैं फिल्म की तरह सुनाऊं? दोनों दोनों सुनाऊं? दोनों। एक ये म्यूजिक बाद में बजाऊंगे। मतलब इससे मिलती जुलती वो है। हम बताओ, मैं बताऊं। आ
हिमाचल में क्या जी गजब की हलचल, हलचल में क्या जी कितना क्या दलचल, हलचल में क्या जी गजब की हलचल। भाइयों मेरी तरफ से एक बात, पहले आप सुनाओ जी, कुछ सुनाने वाले थे ना रह गया ना, 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 कुछ बजाने वाले थे ना, ना, बजाने वाले। उसका मीजू के चले हाँ गया जो भी था आ, बता दे बता हाँ, दे बता वो जो चला हाँ फिर ले ले क्योंकि वो फिल्मी और वो दोनों मिल जाती है आपस में। इसी का नाम तो कला है। जी हाँ। जी भाइयों मैं मेरी तरफ से एक बात कहूं, इस धरती पे तो बहुत कुछ चला जाता है फिर देखने को नहीं मिलता, मारा लव जड़ा है और कोई मतलब नहीं मारा। एक तो रियल बाबा वाइस, बाबा की दया से जो है रियल वाइस मिलाप नहीं होगा माड़ा सा भी, गढ़कर बतला के कति नहीं कोई काम करना, कति जो भीतर में आ गया ना वो ही रियल है। दूसरी बात जैसे अल्लाह पहले सुने आ रहे नए बड़कन बेराए नहीं, और ये नई पीढ़ी पता नहीं किस दिशा में जा रही है, हमें रिजल्ट बताएगा, हम ये नहीं कहते गलत जा रही है उसके और भी जा रहा है ठीक हो, पर इनको लोप ना होने दो, ये धरोहर है इस धरती पे, तो यह चीज चली ना जावे क्यों जी। बिल्कुल सही बात है जी, वही ये लगन है और आप सहयोग देते रहो इसमें और इसको है ना जिंदा रखे रहेंगे। बिल्कुल सही बात है, और हम तो कहे हैं जी आजकल के जो पीढ़ी के जो बालक हैं, हम तो रुको अपनी धरोहर याद रख करो, उसने सीखो और अच्छी चीज है, तो अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, ये आगे फिर नहीं मिलेंगे। नमस्कार जी ओम प्रकाश। नमस्कार जी ओम प्रकाश जी, आपका गाँव? मेरा गांव जी ग्रावड़ है जी, जाब ग्रावड़ मारे गवंडियो फिर हाँ करेटी मदीना इसके। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ओम प्रकाश जी आप क्या बजाते हो सांग में? मैं जी क्लारनेट बजाता हूँ जी। इसको क्लारनेट बोलना? हाँ क्लारनेट इसका नाम है। अच्छा अच्छा, और ये पुराना चलता हुआ है कि लक्ष्मीचंद जी भी रखा है? लक्ष्मीचंद ने तो नहीं रखा, चंद्रबाद जी ने, धनपत ने, उसके बाद बाद में लक्ष्मी ने, लक्ष्मीचंद जी ने जो चीज रखी ना उसको मैं मानता हूँ कि हमारा साज नहीं होगा, ये बाहर का होगा। हाँ बाहर का भी हो सकता है, और बाकी थे भी नहीं ऐसे बजाने वाले। अच्छा, वैसे ही थे बस, सारंगी का ज्यादा वो था। अच्छा अच्छा, हारमोनियम सारंगी। अच्छा हाँ, क्लारनेट का तो इस बाद में ही हुआ है। ओम प्रकाश जी इसके ऊपर आप सारी धुन निकाल लेते हो? हाँ सारी, एक धुन बजा के दिखा दो इस पर, कोई भी, कोई भी एक धुन। मनतीसा लग है ओम प्रकाश जी, उसका है मन ज्ञान ना हो। हाँ। ये बीण का रूप नहीं है दूसरा बदला हुआ? रूप तो है। हाँ। आवाज में तो थोड़ा थोड़ा फर्क है, आवाज में तो फर्क है। हाँ आवाज में फर्क है, पर उसका जो साकार है आकार अलग अलग ही है। अलग है, हाँ बीण बेस वही है। हाँ, बेस वही है। हाँ जी। अच्छा जी, कौन से संगी के साथ काम किया आपने? मैंने पहले जी पंडित तुलेराम के पास किया था। अच्छा जी, लक्ष्मीचंद के बेटे हैं जो। हाँ तुलेराम जी। हाँ उसके साथ किया हमने 12-13 साल। हाँ जी, उसके बाद में फिर जय नारायण पंडित जी, जय नारायण के साथ तकरीबन फिर मारे जितने भी संगी थे वो सबके साथ किया फिर। अच्छा हाँ धन्यवाद। बुआने के प्यारे थे और मतलब जितने आर पार के सब थे। अच्छा, फोन रोक दिया भाई चल। हाँ हाँ, उसके साथ भी काम किया। बाकी और जो ये
ये थे शर्मा जी, केसी शर्मा नहीं, एक अपना रोध का भी संगी है ना सुल्तान, हाँ उसके साथ भी किया। हाँ अच्छा अच्छा, उसके साथ भी थोड़ा ही किया, बस ज्यादा नहीं किया। अच्छा, यानी क्लारिनेट रखते थे वो? हाँ रखते थे, रखते थे। हाँ यानी एक ये एक वो है वाद्य है ये जो सांग में बजाया जाता है। हाँ बजाया जाता है, अब तो लागू हो रहा है जी ये। लागू हो रहा है, वैसे ये है विदेशी। इन इन इसमें भी कई क्वालिटी आती है जी ना, इसकी तो क्लारिनेट ही बस ऐसे ही हो। कोई घनी पन्नी आवाज काट है, कोई भामरी काट है, मंदी काट है, तेज काट है, कुछ तो होता होगा। हर एक साज की तीन शब्दक बोली जाए, हाँ जी, एक ग्राम, एक पंचम, एक और उसके ऊपर, मतलब तीन इसी में है, तीन हारमोनियम में है, तीन ही उसमें है सारंगी में। यो जो कर अपना वो बजा रड़ गोजा वही चीज है ना? बदल का है? बदल का है। अच्छा जी, सेट को ठीक है, बांसुरी अलगोजा क्लारने। ओम प्रकाश जी, आप मान लो, माना मूल धन सो, हमने एक चीज को मान लिया है कि आप मार्केट में गई, आपने क्लारनेट लेनी है। हाँ। और वहाँ दुकान पर अलग अलग टाइप की होती है। हाँ। उनकी टाइप कौन सी और आप कौन सी खरीदना पसंद करोगे? देखो ये साज जो है हमारे हरियाणा में तो बनता है या हिंदुस्तान में, मेरठ में, मेरठ में। हाँ उस, इसके बनाने वाले वहाँ जड़ी कोठी है उसका नाम है, स्वरूप से वहीं बनते हैं, वहीं बनते हैं, वहाँ से तो है ये देसी क्लारनेट बोलते हैं इसको। हाँ जी, बाहर विदेश से आता, फ्रांस से, रूस, जापान से। हाँ। अब इस क्लारनेट की 50,000 रुपये कीमत है ये जो अच्छा मेरे पास। हाँ अच्छा जी, ये विदेशी है। अच्छा जी, और उधर से आएगा जो वो 12-13,000 का है। अच्छा, विदेशी अच्छा रहता है? हाँ जी, उसका आवाज़ मीठी होती है, ताकत भी कम लगे है, बजने में अच्छा लगा है। अच्छा जी, तो इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा है। इसका है मसाले के वो भी, बाकी ये बहुत अड़का होता है, वो बहुत भारी होता है। अच्छा, इसलिए अच्छा। इसमें अड़का पड़े वो जूते वाली बात है, जूते खरीदने गए थोड़े हड़के दिए भाई, महंगे बेचको। हाँ इसका तो रेट ज़्यादा है। बताऊँ जिस तरह मास्टर जी बता रहे हैं ना, ये जर्मन का है ना, सॉरी बाहर विदेश का। हाँ जर्मन का। यहाँ हिंदुस्तान में बने हैं लोकल, लोकल वो इतने सुरीले नहीं होते। जिस तरह यहाँ अभी हारमोनियम है मेरे जो पास, जो हारमोनियम मेरे पास तीन हारमोनियम है और तीनों के तीनों जर्मनी रीढ़ के हैं। अच्छा अच्छा, ये रीढ़ मार्केट में मिलता नहीं, अगर जो हम लेने जाएंगे तो खाली मैं गया था एक अपने शिष्य के, वही बात है, ये 40,000 रुपया बताया खाली रीढ़ रीढ़ का। अच्छा अच्छा, और वो भी उसमें एक दो कम था घिसे और भी ज्यादा। मेरे पास तीनों सेट मेडन जुबलेट मेडन जर्मन जर्मन, इनकी आवाज जो है ना वो कहीं से नहीं मिलेगी, इतनी बढ़िया सुथरी आवाज, मीठी आवाज, सुर में। देसी भी चल रहे हैं जो 12-12,000 के, 10,000 के मिले हैं। वो फिर देसी है, कला देसी है, उसकी आवाज में वो मिठास नहीं है। तो इसलिए क्लारनेट का भी यही मामला है। क्लारनेट आजकल ये सांग लैंड में ये वो हो गया, पक्का हो गया समझ लो। ओम प्रकाश जी, एक प्रश्न और है छोटा। हाँ जी, आपने अपने परिवार में किसी को सिखाया है या सीखा है बच्चे ने? नहीं, एक पोता था जी, वो 6-7 में पढ़ता था। वो पिछले साल ये लॉकडाउन से पहले मैंने उसको कहा भाई बेटा तू ये सीख ले। मैं जब घर में रियाज करता था तो वो बैठता था मेरे पास, तो मैंने उसको दिया, तो उसने इसमें फूंक मारनी आ गई और ठीक था वो, न्यू समझाओ 10। आप तो परख सकते हो, उसके परखण में पास हुआ है वो? हाँ परखण में पास हो, सारे गाने वाने बजाने लग गया। हाँ। फिर कुछ अब इसमें आके कुछ ऐसा हो गया कि वो जो ये हक्की उक्की खेल है ना, वहाँ जाने लग गया। फिर उसको मैं बार बार कह रहा हूँ उसका भी रियाज कर ले। हाँ। फिर अनसुनी कर दे वहाँ। हाँ, ना ना वो पकड़ गया ना। हाँ। वो बरका होगी चाहे कद्दे आओ। हाँ। जो चीज अंदर है ना वो बरका आवेगी। हाँ, हाँ, आवेगी, वो बजा लेगा। आवेगी, बजा लेगा। हाँ, जितने भी उसका बेस तैयार है, बेस बेस बिल्कुल तैयार, बेस तैयार है। हाँ। तो इस तरीके से वो फिर रुचि ही कोनी नहीं हो भाई, आप दादाजी बताओ मैंने ये। ओम प्रकाश जी, मैं आपके साथ धक्का करके इसलिए आपके पास आया हूँ कोशिश करके, क्योंकि मेरा मकसद एक ही है, जो ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में नहीं है, जिनका लोगा नहीं बेरा है। हाँ। उस चीज़ का पता लगे। ठीक बात। अब ये मेन वाद्य है और इस मेन वाद्य पर कोई ध्यान नहीं देता। हाँ। ठीक है, उन बस काना ने तो सुन लिया कि आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद कुकर आ गया, आनंद आ गया इससे। हाँ। आनंद आ गया इससे। ठीक बात। हाँ। तो जी धन्यवाद आपका, और कुछ कहना चाहो तो बताओ। बस और तो यही बात है जी, सारंगी क्लारनेट तो लुप्त होता जा रहा है, ये तो आप जैसे जो पढ़े लिखे
लोग हैं वो लक्ष्मी वाली बात है, जिंदा रख सकते हैं। लक्ष्मी चंद जी वाली बात है, मर्सी का हार दे मिला रे जिंदा रे तो इस बोली ने भी रगड़ाए कहने का मतलब बोली का हिरन जगह बढ़ावा है तो वे ओम प्रकाश जी जिंदा रहे तो इस सारंगी ने भी रगड़ांगे। एक और है सुरेश को बढ़ावा आप ही दे सकते हो के ये पहले जो मान लिया पहले तो कोर्स ऐसे बोलिया कर रहे थे ठीक में ये उस कोर्स का भराव कर देती है क्लारिनेट पे मुझे अच्छा लगता है लहरा अच्छा अच्छा खाल भर जाए। हाँ ये इसका भराव हो जाता है ये साज ऐसा जी ये खुड़के के साज है रंगाड़ा हो या क्लारिनेट हो ये बीन हो ये तो कोई अच्छा है बजाने। मैं तो ये मानता हूँ ये बनाने वाले ने जब कभी बनाया होगा ना कोयल से मिलके सुन के बनाया होगा कोयल से मिलके और कोई और वाद्य नहीं मिलता कोयल से ये मिला है मतलब इसको तो अच्छा है बजाने वाला होगा ना तो अच्छा लगेगा जैसे नंगाड़ा है बीन है ये क्लारिनेट है खुड़के के साज है ये वो भराव करते हैं ये बनाने वाले अच्छा बजाने वाला तो अच्छा लगेगा। मैंने तो इनका नाम भी पप्पू भाई लॉकडाउन के बाद याद हुए है मैं तो इसने पीपनी का हारदा इन्हें पेटी का हारदा मेरा लगे या तो हारमोनियम है या क्लारिनेट होगी ये अच्छा साज है बजाने वाला मतलब ऐसा है सुरेश जी ये जो आप जिक्र कर रहे हो ना पहले जो पुराने जो संगीत है ना वो पहले क्या किया करते दो तो सारंगी होती थी सांग में और एक हारमोनियम होता था ढोलक और नकारा ये इंस्ट्रूमेंट होते थे बाकी ठीक बोलो नहीं है। अब सारंगी बजाने वाले रहे नहीं बच्चे सीख नहीं रहे कम हो गए सारंगी तो मोमिया जी 25 साल में तो बताऊं है सारंगी आव है सिक्का इतने उसकी उम्र पूरी हो ले बिल्कुल बिल्कुल जिस टाइम पे मैंने सीखना शुरू करा मैंने कहा था मैं उस्ताद गुरुजी मैंने सिखाओ नुला बेटा मैं ये मर लूंगा इतने क्योंकि बहुत बुढ़ापा था उनका कह लगे मिलानी भी नहीं आओगी इतने ये इंस्ट्रूमेंट इसमें सुर बने उड़ रहे हैं न्यू के न्यू वो जो इसमें बजाने की चीज है सारंगी में बजाने की जो चीज है काम है तू गले से याद कर और फिर उसने हाथ में से निकाल तो जब मैंने यो काम शुरू किया तो पहले दो सारंगी और एक हारमोनियम ढोलक और नगाड़ा ये होते थे इंस्ट्रूमेंट फिर सारंगी कम होती चली गई फिर एक सारंगी एक हारमोनियम एक क्लारनेट ना सॉरी दो हारमोनियम और एक सारंगी ढोलक नगाड़ा अब वो फिर वो सारंगी भी गई वो भी सारंगी गई फिर अब दो हारमोनियम एक क्लारनेट ले लिया ये ले लिया ये लिया ये तो कोयल है जी मैं तो कोयल कहूंगा आप करला लेट के जाओ ये तो कोयल है आदमी इसने भी नहीं सीखता हर बच्चे को शौक नहीं है बड़ा ओखा है इसका भी मेरा उस्ताद सांस को रोकना सांस का रोकना रोकना बहुत मुश्किल और इसका पिंच बनाना दांतों में थोड़ा लगाकर बस की बात को नहीं एक मंडोरा मंडोरी गांव है वहां के मेरे उस्ताद हैं जम्मन खान साहब वो मेरे को बताता था कहता बेटे हारमोनियम ढोलक ये 5 साल सारंगी 10 साल ये क्लारनेट 20 साल इसकी 20 साल मेहनत करोगे जब ये मीठा बजेगा और सारंगी सारंगी 15 साल सारंगी तो बहुत है अच्छा सारंगी तो इस तरीके से चलो मेहरबानी जी आपकी बड़े दर्शन दिए धन्यवाद।